subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. Welcome to Community Debate. I'm your host Halima Sadia. COVID-19 ने दुनिया को हिला के रख दिया है. बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड लाइफ बहुत ही डिफरेंट एक्सपेक्ट की जा रही है. इसके साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी में ख़ास तौर पे इस वक्त रमज़ान चल रहा है. रमज़ान के रोज़े और उसके अंदर इबादत एक ख़ास कल्चर और अहमियत रखती हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी में. पाकिस्तानी कम्युनिटी मिसिसागा टोरंटो में अफ्तारियाँ और सहरियाँ करने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी, लेकिन इस वक्त कोविड की वजह से सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है. इसके क्या असरात हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, लोगों में इसके बारे में क्या डिबेट चल रही है, इस सिलसिले में राय लेने के लिए आज हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं बहुत ही हमारी जानी पहचानी लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं और उसके साथ साथ बेशुमार टैलेंट होल्डर हैं. मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ सादिया बुखारी. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. कोविड-19 चल रहा है और उसके दरमियान ही हमारे रोज़े शुरू हो गए, तो आप क्या महसूस करती हैं इस साल का रमज़ान कैसे ख़ास है कोविड-19 की वजह से? जो इंटरेक्शन पहले होती थी वो नहीं हो रही. पहले मैं ये बात कहूंगी कि आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. मैं इस रमज़ान को भी बड़े पॉजिटिव तरीके से देख रही हूँ और ले रही हूँ और उसको मैं फुली इंजॉय कर रही हूँ और मेरी कोशिश है कि आई मेक द मोस्ट ऑफ इट. थोड़ा सा मैं कम्युनिटी में डिप्रेशन देख रही हूँ क्योंकि अफ्तारियाँ होती थी, लोग एक दूसरे के घर खाना बना के लेके जाते थे और पहले बनी बनाई अफ्तारी भी रेस्टोरेंट से मिल जाती थी, लोग जाते थे. अभी भी पिकअप तो हो जाता है मगर वो एक माहौल जो होता है वो नहीं हो रहा. मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि अब सहरी के टाइम पे मैं अकेली होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं पाकिस्तान कॉल करती हूँ अपनी अम्मी को और मैं उनके साथ लाइव बात करती हूँ स्काइप के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए, ताकि मुझे एक फीलिंग हो कि मैं अफ्तारी सहरी किसी के साथ कर रही हूँ. और इफ्तारी के टाइम भी मैं किसी ना किसी को कॉल करती हूँ, चाहे मेरी फैमिली हो चाहे मेरी फ्रेंड हो, और उनके साथ मैं बात करती हूँ ताकि मुझे एक माहौल मैं क्रिएट कर सकूँ. तो थैंक गॉड टू दिस सोशल मीडिया, टू द इंटरनेट, जो एक साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट का उसने काम दिया है, तो उसके जरिए से थोड़ी जो इंटरेक्शन है वो हो रही है. बट डेफिनेटली पीपल आर वेरी डिस्टर्ब एंड अपसेट राइट नाउ क्योंकि वो माहौल क्रिएट नहीं हो रहा जो हमेशा होता है. तो क्या आप ये नहीं देखती कि इसकी वजह से फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत क्लोज आ गई हैं? पहले वो लोग जो मस्जिदों में जाकर और अफरा तफरी के अंदर रहते थे, वो अब फैमिली में बैठ के वो तमाम काम कर रहे हैं जो एक ट्रेडिशनल फैमिली में किए जाते हैं. टू सम एक्सटेंट यस, इसका एक ऑपोजिट रिएक्शन और नेगेटिव रिएक्शन भी हुआ है. कुछ फैमिली मेंबर्स क्लोज आ गए हैं और कुछ में प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं. और बहुत ज़्यादा जो मुझे शिकायत आई है कम्युनिटी में वो ये है कि मैरिड कपल्स में लोग जो है वो स्पेशली मैन, दे आर कॉलिंग, दे आर टेक्सटिंग वुमेन और थ्रू फेसबुक में ऐसी हरासमेंट हो रही है. तो थोड़ा सा एक नेगेटिव भी रिएक्शन हुआ है क्योंकि लोग घर में एक दूसरे को देख देख के तंग आ चुके हैं. तो ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव ये है कि फैमिली बॉन्ड स्ट्रांग हुए, अगर आप करना चाहें तो उन फैमिलीज में बॉन्ड स्ट्रांग भी हुआ है. जैसे एक मेरी जानने वाली है, वो मुझे कह रही थी कि मैंने अपने हस्बैंड को कभी इतनी अच्छी तरह जाना ही नहीं जिस तरह मैं अब जानती हूँ, क्योंकि वी वर सो बिजी कि वो भी जॉब पे होता था और मैं भी जॉब पे होती थी. तो अब ही हैज अ टाइम टू स्पेंड विद मी एंड विद द किड्स, बट दिस इज अ पॉजिटिव साइड, बट वी एज अ सेड देयर इज अ नेगेटिव साइड एज वेल. और एक और चीज हुई है कि जो लोग रोजे नहीं रखते थे फॉर व्हाटएवर रीजन, वो रख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अभी तो हम जॉब पे नहीं जा रहे, हम घर में बैठे हुए हैं एंड वी विल फास्ट. सो ये भी एक चीज मैंने देखी है. अच्छा, अब इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और इबादत की तरफ आ जाते हैं. सारे मुसलमान, खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के वो लोग जो बहुत ज़्यादा पाबंद सौम सलात हैं, वो ये समझते हैं कि ये वो महीना है जिसके अंदर आप अपनी बख्शिश और इबादत को बेहतरीन तरीके से करें और मिलके करें, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है. तो मस्जिदों में जो एक नमाज तरावी बहुत देर तक होना, सुबह तक जाके इबादत करना, वो सब मैसर नहीं है, इसकी वजह से क्या घरेलू एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं इबादत की तरफ? क्या लोगों में कुछ ठहराव आया है या लोगों में बेचैनी बढ़ी है?
कुछ लोगों में बेचैनी है कि वो मस्जिद में नहीं जा सकते, लेकिन कुछ लोग घर में ही इबादत कर रहे। अगेन मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगी कि जब मैं काम में बिजी थी मेरे पास इबादत का टाइम नहीं होता था, और अब आजकल मैं सारी रात इबादत करती हूँ, इफ्तारी के बाद से लेकर सुबह सहरी तक। तो मुझे एक मौका मिला है कि मैं इबादत कर सक रही हूँ। अब वो लोग जो मस्जिद जाते थे उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने भी घर में बैठ के ज्यादा इबादत की है। एक हमारा एक ट्रेडिशन है, एक रिलीजियस भी और वैसे भी, कि लोग मस्जिद में जाते हैं। लेकिन आई थिंक अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन हाउ यू आर टेकिंग इट। सो आई एम एक्चुअली सीइंग अ पॉजिटिव साइड एज वेल एज अ स्पिरिचुअल साइड इज कंसर्न, कि लोग घर में बैठ के इबादत कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारा इस पूरे रमज़ान का एक स्पिरिट होती है वो है टॉलरेंस, जिसमें हम अपने इर्द गिर्द के लोगों और अपने लिए टॉलरेंस डेवलप करना सीखते हैं। तो जबकि क्वारंटीन में लोग घर रह रहे हैं और डोमेस्टिक वॉयलेंस बहुत बढ़ गया है, जैसे आपने फरमाया कि लोग आदमी फ़ोन कर रहे हैं, वो तंग आ गए हैं, तो क्या लेसन हमें मिलता है इस तमाम एक्टिविटी से? लेसन ये है कि स्पेशली जो लोग तंग आ गए हैं वो थोड़ा सा जो है वो टॉलरेंस शो करें, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, क्योंकि अब अभी टाइम लगेगा ये, जब ये सारा कुछ खुलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ भी डिफिकल्ट कर दें और दूसरों की लाइफ भी डिफिकल्ट कर दें। तो अगेन मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि यू कैन मेक अ हेल आउट ऑफ हेवन एंड अ हेवन आउट ऑफ हेल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन वॉट यू वॉन्ट टू डू। मैंने ये नोट किया जिनको डिप्रेशन या डिप्रेस रहने की आदत है अच्छे सर्कमस्टांसिस में भी, वो बहुत डिप्रेस हो गए हैं, और जो खुश रहते हैं वो इन सर्कमस्टांसिस में भी बहुत खुश हैं, वो रिलैक्स देखिए, कर ये रहे तो हैं। कोविड के हिसाब से बात है। मैं तो रमज़ान ख़ास तौर पे, क्योंकि एक स्पिरिचुअली बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ समझा जाता है, जिसके अंदर आप तमाम इवल्स को ख़त्म करके बेटरमेंट की तरफ कोशिश करते हैं। तो कोविड के बावजूद इसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए, जो कि कम नज़र आ रही है। लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्या कमी हो गई है? देखिए रमजान की जो बात है ना, रमजान चाहे कोविड हो या कोविड ना हो, रमजान आपकी एक पर्सनल चीज है। जिसने रमजान में अपने आप को इम्प्रूव करना है, एनहेंस करना है, या टॉलरेंस सीखनी है, या वैल्यूज को फॉलो करना है, वो रिगार्डलेस करेंगे। हाँ अब ऐसा है जो करते थे उनमें फ्रस्ट्रेशन आई है, थोड़ी कम हो गई है, लेकिन जिन्होंने करना है वो अभी भी कर रहे हैं। तो मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि देखें दिस इज गोना टेक सम टाइम, और इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि वो हर चीज में एडजस्ट कर जाता है। जो सर्कमस्टांसेस हैं, रमजान के महीने का पाक महीना है, मुबारक महीना है, इसका फायदा उठाएं। एक एक कैफियत है इस वक्त, आपको पता है रमजान के महीने में होती, तो हम लोग वो शेयर करें सोशल, ये जो डिस्टेंसिंग के बावजूद इंटरनेट मीडिया के जरिए हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करें, बात करें, ताकि जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो निकले, रमजान के हवाले से हो, कोई भी हो। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी टॉक, ठीक है? फैमिली में जो 5 लोग बैठे हुए हैं घर में, या 3 4 लोग जो भी हैं, वो एक अगर फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से इनकी इंटरेक्शन जरूरी है। और वॉक के लिए जाएं, गो इनटू द नेचर, दैट्स व्हाट आई डू। लाइक आई गो इनटू द नेचर, आई स्पेंड टाइम इन द नेचर, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल राइट नाउ बिकॉज पोल्यूशन इज लेस। सो ट्राई टू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड, वेदर इट्स नेचर, वेदर इट्स अदर पीपल थ्रू सोशल मीडिया। चलिए अब आते हैं, हमारा टोरंटो बहुत मशहूर था ईद मेलों के लिए, और दुनिया में मुस्लिम कम्युनिटी में ख़ास तौर पे ख़वातीन हिना के डिज़ाइंस और हिना बनवाने के लिए बहुत मशहूर हैं कल्चरली। वो कोई भी जगह के मुसलमान हो, वो ईद पे ख़ास तौर पे हिना बहुत शौक से लगवाते हैं। तो अब क्योंकि कोविड की वजह से ये तमाम सहूलत मैसर नहीं है, ये सहूलियात मैसर नहीं है, तो आप क्या समझती हैं कि ख्वातीन का अब क्या रवैया है? क्या वो शॉपिंग ना करने पे खुश हैं कि कुछ बचत हो गई, या वो नाराज हैं कि उनकी सेलिब्रेशन रुक गई? देखिए जिन्होंने शॉपिंग करी है वो ऑनलाइन शॉपिंग करी जा रही है, मार्केट प्लेस से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, सो उन्होंने बिजी रखा हुआ है, सो दे ऑलवेज ऑप्शन टू शॉप, ऑब्वियसली दे आर नॉट द सेम वे। हाँ मेहंदी के बारे में भी लोगों ने मेरे से बात की, कुछ खवातीन वो कंसर्न है कि मेहंदी उस तरह नहीं लग सकती, तो उनको मेरी यही सजेशन है कि अभी भी ईद में कुछ टाइम है, तो वो ऑनलाइन जाएं, डिजाइन देखें, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें, और खुद अपने आप को मेहंदी लगाएं, या अगर घर में कोई और हैं खवातीन एक या दो, उनके साथ सीखें और लगाएं, और वो एक अच्छी एक्टिविटी होगी, बॉन्डिंग एक्सपीरियंस भी होगा अगर सब कुछ नहीं खुलता ईद तक। अच्छा, ये तो मेहंदी और उसके, क्या आप समझती हैं सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद वो लोग जो ये बिजनेस कर रहे थे वो होम बेस्ड बिजनेस कर सकते हैं? अभी भी पॉसिबल है? देखिए इट डिपेंड्स कि वो क्या सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, वो कर सकते हैं अगर सिर्फ घर में और कोई फर्द नहीं है, 2 लोग जो भी अभी इस वक्त है कि 2 लोग इकट्ठे रह सकते हैं, या एक फैमिली के 5 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। सो अगर वो ऐसा बिजनेस करना चाह रहे हैं तो मे बी एट वन टाइम वन
वो लें अपना कस्टमर, उस वक्त उसको डील करें, ज्यादा को ना लें। अगर वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं या कर सकते हैं, देन इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, मेकअप और ख़ास तौर पे फेशियल एंड ब्यूटी 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 टेक केयर पीपल वर वेरी बिजी, और वो ये उनका सीज़न होता है पूरे साल का ब्यूटी टिप्स के लिए, और मैनीक्योर पेडिक्योर फेशियल्स और मेकअप्स एंड हेयर डूज। अब वो सब लोग क्या कोई होम बेस्ड रेमेडी करेंगे या क्या हो रहा है? जी देखिए, मैंने तो अपनी फ्रेंड से जो है ना स्काइप के जरिए सीखा है मेकअप करना, तो जो मैं कभी मुझे आता नहीं था, तो मैंने काफी हद तक सीख लिया। देखिए मैंने तो ये किया, मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक वो भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर ऑनलाइन कोई क्लासेज है मेकअप की वो ले, और इट्स गुड ऑल्सो, राइट। मैंने सिफोरा से भी मेकअप ऑर्डर किया जो मैंने जिंदगी भर नहीं किया, सो फॉर मी इट हैज टर्न टू बी पॉजिटिव। तो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट क्या समझती हैं? क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, जॉब्स नहीं हैं, लेकिन रूटीन उसी तरह चल रही है, और ख़ास तौर पे सहर और अफ्तार में ख़ास एहतमाम किया जाता है, ख़ास तरह का फल, ख़ास तरह का मशरूब चाहिए होता है, तो क्या वो मयस्सर हैं? आई थिंक इफ्तारी की जहाँ तक बात है लोग कर रहे हैं, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर्स खुले हैं और देसी ग्रोसरी स्टोर्स भी खुले हैं, तो इफ्तारी तो मेरा ख्याल घर में लोग वैसे ही बना रहे हैं। ठीक है, वो गैदरिंग्स नहीं हो रही, पार्टीज नहीं हो रही, मगर घर में इफ्तारी बन रही है, तो इकोनॉमिक यस फर्क पड़ेगा। ये तो अब इसका असर बहुत देर तक रहने वाला है। अब देखते हैं कि कैसे 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 ये खुलता है, ईज डाउन होता है, पर इसका इम्पैक्ट तो अगले कई सालों तक मुझको लगता रहेगा। हर तो बिज़नेस पे इम्पैक्ट रहेगा, स्पिरिचुअलिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, अपने आप को ज़्यादा ट्रेंड करने की ज़रूरत है, और ये पहले रोज़े हैं COVID-19 के, जिसमें कि ये इशारा है कि अब आप बदल जाएं, लेकिन ग्रेजुअल चेंज शायद होगी। आप इस पे क्या कहेंगी? देखिए आई थिंक लोगों में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। एक चीज़ तो मैंने नोट की कि लोग बहुत खामोश हो गए हैं। जो लोग पहले बातें करते थे, आई थिंक वो अंदर अपने आप के झांक के देख रहे हैं। ये एक सोचने का टाइम है, एक अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम है, तो वो हो रहा है और मैं पॉजिटिव चेंज देख रही हूँ। इस पे हम मज़ीद कई कई प्रोग्राम कर सकते हैं, बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। जाने से पहले आप कोई मैसेज देना चाहें व्यूअर्स को हमारे थ्रू, तो प्लीज़ दीजिए। मेरा हमेशा एक ही मैसेज होता है, और अगेन मैं बार बार अपना जिक्र करती हूँ कि मेरे लिए ये कोविड का टाइम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम था। मैंने अपने बारे में बहुत सीखा है, हर हवाले से, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, रिलेशनशिप्स के हवाले से। आई एम इंजॉइंग इट एंड आई रियली लाइक हु आई एम राइट नाउ। तो अगर हर इंसान अपने अंदर झांके और मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम, मेरा ख्याल है हर एक में पॉजिटिव चेंज आएगा। सो बी पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे सादिया, आपका बहुत शुक्रिया अपने ख्यालात शेयर करने का और कम्युनिटी के मुतल्लिक अपनी राय देने का। थैंक यू व्यूअर्स, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि मुश्किल वक्त दरअसल मुश्किल नहीं होता, इसका मतलब होता है कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। COVID-19 के बाद से दुनिया बदल रही है, बदल गई है और मज़ीद बदलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये पहले रोज़े हैं जिसके अंदर हमें सादगी और सादा ज़िंदगी, वो ज़िंदगी जो कभी हम अपने बचपन में गुजारते थे या अपने माँ बाप से सुना करते थे, उस लाइफस्टाइल की तरफ वापस जाना है। ये चेंज है, लेकिन ये चेंज हमेशा तकलीफ दे भी होती है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये ज़िंदगी का एक दूसरा रुख दिखाती है, एक और प्रस्पेक्टिव देती है, जिसमें हम जिंदगी को किसी और तरह भी देख सकते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। कम्युनिटी डिबेट में लेके आते रहेंगे नए नए मसाइल, नए नए डिबेट्स और उस पर आप सबकी राय। इन अल्फाज के साथ आज का कम्युनिटी डिबेट देखने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.